हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के भिकन गांव में शुक्रवार दोपहर को हड़कंप मच गया, जब नगर परिषद की टीम नगर में दुकानदारों से भूमि किराया वसूलने पहुंची। नगर परिषद CMO माया मंडलोई के निर्देशन द्वारा नगर के 86 बकायेदारों पर करीब 12,25,595 रुपए बकाया है। शुक्रवार को कार्यवाही में 21 बकायेदारों से 2,95,056 रुपए का नगर परिषद टैक्स जमा कराया है। नगर में 6 दुकानों को सील किया गया है जो कई सालों से टैक्स जमा नहीं करा रहे थे। नगर परिषद की शुक्रवार को नगर में हुई वसूली अभियान में नीरज रावत, राजस्व प्रभारी मनोज गंगराड़े, राजेश्याम मालवीय सहित निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे। भिकन गांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। क्या उनके मकानों को ताला लगाओगे आप? लगाएंगे तो हमारी संपत्ति, इसलिए हमको पूरा अधिकार है। वो उसकी संपत्ति पर उससे लेंगे ना, उससे विधिवत कार्रवाई करके। नहीं लेंगे तो उससे तोड़ेंगे नगर में। महात्मा गांधी मार्ग पर भूमि किराए से दुकान दे रखी है, जिन लोगों का काफी बकाया था, उन लोगों की जो है वारंट वसूली तक की कार्रवाई पूर्ण होने से उनकी दुकान सील करके, और जिन लोगों ने पैसा दिया उनको उनकी दुकान सील नहीं की गई, बाकी लोगों की दुकान सील करके और बकाया जमा होने पर ही उनकी दुकानें खोली जाएगी। लगभग लगभग कितनी दुकानों पर ताले लगाए गए नगर परिषद द्वारा? 6 से 7 दुकानों पर ताले लगाए, और ये मुहिम कल भी चालू रहेगी, सतत चालू रहेगी। मार्केट में एक बात सामने आ रही है कि नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश जी, जिनका भी किराया बाकी, मगर आपने उनकी दुकान पे कल देने का आश्वासन दे दी बोला है, अभी मुझे रस्ते में मिल गए थे, कल वो जमा कर देंगे, नहीं तो उनके भी कार्रवाई होगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब पे समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा, वरिष्ठालय से भी वसूली के सख्त निर्देश है, और सभी के साथ समान रूप से कार्रवाई की जाएगी, ऐसा किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा। अगर सोमवार तक नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अपना किराया जमा नहीं करते तो नगर पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? पूर्व अध्यक्ष की भी की जाएगी, रवि पटेल को भी हमने आश्वासन दिया है, उन्हें भी मैं जमा कर दूंगा, नहीं तो उनकी भी की जाएगी, सबकी की जाएगी। मटन मार्केट में भी जाके उनकी भी दुकानें सील की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और कार्रवाई हमारा अनुरोध है नगर की जनता से और दुकानदारों से कि अपने दुकान का किराया जमा करें, बहुत मिनिमम किराया, उसको लाखों रुपये किराया जो है बकाया हो गया है, और संपत्ति कर जलकर का भी अपना राशि जमा करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।